सुल्तानपुर पहुंचे किसान क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह गुंडा हैं। अमित शाह पर कानूनी केस चल रहे जस्टिस लोहिया से लेकर हरेंद्र पांडे बंजारा व एक लड़की की जासूसी तक केस दर्ज है और सबको पता है कि वो व्यक्ति किस तरीके की राजनीति कर रहा है। ऐसी राजनीति करना गुंडा ही कहलाता है। तो वहीं सपा बसपा गठबंधन पर भी हार्दिक पटेल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी कह रहे थे कि सब मिल करके हमको हराना चाहते हैं, मैंने सबका खाना बंद कर दिया है इसलिए सब मिलकर हराना चाह रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने आगे और क्या कहा। अमित शाह गुंडा है, गुंडा है, गुंडा, ये टिप्पणी की थी और जोर से कहता हूँ अमित शाह गुंडा है। तो मोदी जी कह रहे थे कि मुझे हराना चाहते हैं, मैंने उनका खाना बंद कर दिया इसलिए मुझे हराने के लिए सब लोग एक हो रहे हैं। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं? कभी AMDA के पास गए, कभी शिवसेना के पास गए, तो हर जगह वो भी जा रहे हैं ना। आपको मालूम नहीं होगा कि महागठबंधन सिर्फ 22 पार्टीज का है और NDA गठबंधन 42 पार्टीज का है, तो शेर अकेला चलता है ना। अगर आप राजनीति में नहीं रखेंगे, और उसका उदाहरण आपके सामने अभी एक महीने पहले हर किसान के खाते में हर साल 6,000 रुपये देने के बाद जो बात हुई, वो सबसे बड़ा झूठ यही हो सकता है कि जो किसानों को फसल के दुगनी आय चाहिए, कृषि के लिए पानी चाहिए, सिंचाई के लिए बिजली, कृषि के लिए बिजली चाहिए, उनको ठीक से जंतुनाशक दवाओं के लिए, खाद के लिए ठीक से सब्सिडी मिले, खास तौर पर जो रोजड़े होते हैं जो खेत में आ जाते हैं उसके लिए तार फेंसिंग के लिए ठीक से सब्सिडी मिलकर उनको, किसानों को डायरेक्ट लाभ मिले, ये जो सारी मांगे हैं उस मांगों को लेकर हम गांव-गांव जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। मोदी जी नहीं देंगे मुझे लगता है, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि उनकी सोच, उनकी नीति और उनके सिद्धांतों में काफ़ी फर्क है। देखो, मेरे हिंदुस्तान की सुरक्षा पर उठे हुए सवालों से, चाहे वो सिद्धू हो चाहे वो नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, इस पर हम सहमत नहीं हो सकते। ये हकीकत है कि हमारे देश को अगर मजबूत करना है, हमारे देश की सुरक्षा सीमाओं को अगर मजबूत करना है, तो सबको एक साथ खड़े होना पड़ेगा। सिर्फ 300 किलो चीनी न देने से कोई पाकिस्तान कमज़ोर नहीं होने वाला, हम इतने मजबूत बने कि पाकिस्तान कभी ऐसी वारदात करने के लिए मजबूर भी ना बने। आपको